उत्तरी विधानसभा की सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उसको निवारण करने की बात कही और साथ ही कहा, आप हमारे बुजुर्ग बड़े और हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत, आपके आशीर्वाद से हमें मिलेगी ताकत और हम आपकी लड़ाई को आगे लड़ पाएंगे। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी आशीर्वाद देने की बात कही। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की आप प्रत्याशी हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, हम सबसे पहली बात बताना चाहेंगे आपको, उत्तर विधानसभा के समग्र विकास के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने आप पहले भी जो वादे किए थे उस पर काम किया। उत्तर विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दे हैं, जैसे सड़क की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। हमने तमाम गलियों में जब जाकर के देखा तो वहाँ पर नाली की बहुत बड़ी समस्या थी, जल भराव की एक बड़ी समस्या है, पीपे वाला पुल एक बड़ी समस्या है। मैं ITI जो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था वो अभी भी बंद पड़ा है, उसको हम अगर सुचारू ढंग से चला दें तो बच्चों को बहुत स्तर तक वहाँ पर नौजवानों को फायदा होगा। साथ ही साथ मैं जो सबसे अहम काम करना चाहती हूँ वो है शिक्षा के क्षेत्र में, कि अभिनव मॉडल स्कूल हमने एक दिया था जो सरकारी स्कूल था, उसकी फीस नाम मात्र थी, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलती थी, तो वैसा स्कूल अगर हर वार्ड में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने जा सकेंगे। आरा दर्दोजी वाली महिलाएं जो हमारी हैं उनको उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो सरकारी योजना से उसको जोड़ करके उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। जिस जगह बैठी हैं, इस जगह पर ज़्यादातर लोग दर्दोजी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों के रोजगार चले गए, तो क्या आप अगर सत्ता में आती हैं तो अपनी सरकार से कहेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खोला जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके? जी बिल्कुल, हम उनके लिए पूरा जितना भी प्रयास कर सकते हैं और प्रयास ही हम करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।